हे गाइस, वेलकम टू WealthDekho.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं US स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको जो भी डिविडेंड मिलता है, कई लोगों के क्वेश्चंस या कमेंट्स आ रहे थे, टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज आए कि जो US स्टॉक का जो डिविडेंड मिलता है तो क्या वो इंडिया की तरह जैसे आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, क्या वैसे ही US के अंदर भी यही फंडा चलता है या अलग चलता है, कितना टैक्स लगेगा। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने पर्सनल मैसेजिंग यहाँ पर शुरू कर दी है, तो आप डायरेक्टली मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी, डाउट या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे स्मॉल केस हो, INDIA मनी हो, वेस्टेड हो, कोई भी चीज़ हो, US इंडियन स्टॉक्स या फिर कोई भी बॉन्ड्स वगैरह से रिलेटेड या ऐसी कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूंगा। सो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया था और ऑब्वियसली उनके स्टॉक्स में यहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है तो वो कहाँ पे क्रेडिट होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग टैक्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कोई भी यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यहाँ पे इशू करती है तो उसमें से एक परसेंटेज ऑफ द अमाउंट आपका TDS काट लिया जाता है। मतलब चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, उसके ऊपर आपका TDS कट जाता है और आपके पैन के अगेंस्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता है, जो आपको अपने फॉर्म 26AS में भी दिखता है। सेम काइंड ऑफ द थिंग गाइस US के अंदर भी होते हैं। US में क्या है गाइस, 25% फ्लैट रेट है। मतलब मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने अगर $100 का यहाँ पे डिविडेंड इशू किया है तो $25 आपके उसमें से कट के US गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और जो $75 है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, अब क्वेश्चन उठता है, जो $75 आपको मिल रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो पहली चीज तो ये, वो मिलेंगे आपको अपने US वॉलेट में, मतलब जहां पे आपका वर्चुअल अकाउंट खुला हुआ है वहां पे आपको मिलेंगे। सेकंड थिंग, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर टैक्स लगता है। ऑलरेडी वैसे आपने US के अंदर टैक्स पे कर दिया है क्योंकि जो 25% का जो रेट है वो आप ऑलरेडी US के अंदर पे कर रहे हैं। तो गाइस, जो $75 आपके हाथ में जो आए हैं या आपके वॉलेट के अंदर जो आए हैं, तब जब आप अपनी ITR वगैरह फाइल करेंगे तो उसको जो नॉर्मल इनकम होती है, मतलब अदर इनकम जहाँ पे हम लोग बैंक के फिक्स डिपॉजिट और नॉर्मल हमारा इंडियन डिविडेंड स्टॉक्स दिखाते हैं, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि US के साथ में हमारा DTA एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, तो वापस आपको इंडिया को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने US गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है डिविडेंड के ऊपर 25%, तो आप अपनी जब ITR फाइल करेंगे तो आपका जो US का जो डिविडेंड होगा उसकी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो देखिए गाइस, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि आपको डिविडेंड यहाँ पे कैसे पता करना होता है या जो भी मिला होता है तो आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास में दोनों वेस्टेड और INDIA मनी दोनों के यहाँ पे मैं अकाउंट यूज करता हूँ और दोनों के यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट निकाल रखे हैं ड्राई वेल्थ के। जी हाँ, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं INDIA वेल्थ की बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे पूरा आपको एकदम बायफ्रैकेट करके बताता है, मतलब अलग अलग कॉलम्स में बताता है कि कितना यहाँ पे आपको डिपॉजिट हुआ है, कितना आपको डिविडेंड मिला है। तो आप पूरे साल भर में देख सकते हैं, 2021 के अंदर मेरे को सिर्फ $0.36 समथिंग मेरे को यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है। उसके अलावा गाइस, आपका ये जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर पूरी चीज़ें आपको बताता है कि आपके कितने स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, मतलब जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती है। सेम काइंड ऑफ द थिंग गाइस, वेस्टेड भी इसी टाइप का स्टेटमेंट निकालता है। ऑब्वियसली दोनों का यहाँ पे ब्रोकर सेम है तो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे सेम है। तो गाइस, इसके अंदर भी वही आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो इस तरह से गाइस, आपका जो भी वॉलेट होगा बेसिकली, चाहे फिर वो वेस्टेड के ऊपर है या फिर INDIA मनी के ऊपर है, तो गाइस दोनों के ऊपर ही आपका जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो यहाँ पे आपको US वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद में आपकी चॉइस है, आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर उसको वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स के अंदर। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।